गाइस, गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी महाशिवरात्रि। टाइम हो रहा लगभग 4:30। आज हम कहीं जाने वाले दोस्तों के साथ, इसलिए जल्दी उठ गया हूँ। हाल से बिखरे हुए उठा तो नहीं, मतलब उठ रहा हूँ, बिस्तर में ही हूँ मैं, सामान बुक वगैरह। उठते हैं फिर दिखाता हूँ गाइस। मैं घर से निकल रहा हूँ, इसे देख लिया मुझे रेडी होते हुए, तो ये पहले आ गया मेरे पास, तो निकलता हूँ अभी। 6:45 का टाइम हो गया है। गोरंगा भैया ने हमारा बहुत लेट करा दिया, वरना पहले निकलने वाले थे हम तुमसे 5:30 के समथिंग। निकलने को तैयार हूँ, हमारे विवेक भैया आ गए हमको लेने। सामने हमारे विवेक भैया, 3 किलोमीटर से आया हमारे चचा वसुग्रीव भाई। ये हो चचा की, मिलो तुम, अभी बता दो तुमको अच्छी से मैं। ये इसी जमाने के हैं, ये अमृतपुर से अंदर को रास्ता अंदर के लिए। आ जाएंगे चचा, आ जाएंगे चचा को बताए। हमारे बाकी के दो भाई, सुबह के 7 बजे हैं और इतना तगड़ा जाम आगे, पूरा पैक। जब बढ़ाते तब तुम सोए थे। सामने वाले टॉप पे हमें जाना है अभी। अभी यहाँ पर से 5 किलोमीटर और है, काफ़ी लंबा सफर है ये स्कूटी से। और ये हमारे बागेड़ी में है क्या? यस सुग्रीव भाई, से हाय। कैसा लग रहा? ठंडा बजरंगी कहाँ गया? ये लास्ट एंडिंग, सामने से मेन गेट है यहाँ तक है। नेक्स्ट यहाँ पर से हाय गेट, हाय गाइस, यहाँ से मेन गेट। अब इसके बाद आपके लिए पैदल रास्ता है अंदर को। गाइस मेन गेट से ऊपर आ गए हैं, ये प्रसादी वगैरह हमने ले लिया है, और ये हमारे साथी दोनों बुजुर्ग। ये मेन गेट, इसके बाद से आपको पूरी खड़ी चढ़ाई मिलनी है ऊपर को। भाई की हालत ख़राब, बाकी सबकी भी काफ़ी पीछे रह गए हैं, काफ़ी पीछे रह गए हैं, पर तुम्हारे भाई का व्रत है, तुम्हारे भाई का फिर भी फिट है, बिल्कुल सही चल रहा है। काफ़ी चढ़ चुके हैं, काफ़ी परसेंट 5-6 किलोमीटर चढ़ चुके हैं चढ़ाई पे। लगभग 6-7 किलोमीटर चढ़ने के बाद अब हम पहुँच गए शिव के धाम छोटा कैलाश। गाइस पूजा वगैरह हो गए थे पे, लेकिन हमारे जो चचा गोरंगा जी खो गए हैं, साथ में सुग्रीव भाई खो गए हैं। ये बड़े लेट पहुँचे, इतना टाइम लग गया इनको चढ़ने में, क्या बताएं। और इन दोनों ने अकेले संतरे साफ कर दिए, आधा किलो संतरे खा चुके हैं दोनों ये। अब हम 4 तो मिल चुके हैं, लेकिन सुग्रीव भाई अब भी गायब हैं, और भीड़ इतनी है यहाँ ढूंढना मुश्किल है। शूट चल रहा है अर्जुन भाई का, तो आ दिया विवेक भाई, कैसा लग रहा है फिर? अरे सर बढ़िया। तो गाइस हम निकलने की तैयारी में सब लोग, ये फोटो शूट भी हो चुका है सबका, अच्छा का फोटो शूट हो गया है, सबके सब निकल रहे हैं अब घर के लिए। गाइस भीड़ इतनी है कि नीचे वाले अभी आ नहीं पाए हैं, और हमें रुकना पड़ रहा है, क्योंकि नीचे तो पूरा रास्ता भर चुका है खचाखच, और नीचे पूरी खाई है।
लगभग एक घंटा रेंगने के बाद, 3 से 4 किलोमीटर रास्ता था और 1 घंटा रेंगे हैं तब जाके यहाँ पहुँचे हैं। अब भी हमको गाड़ी तक पहुँचने के लिए समथिंग 3-4 किलोमीटर पर जाना है। गाइस ये दोनों लगे हुए हैं, मेरा तो फास्ट है, विवेक भाई का फास्ट है, ये दोनों खा नहीं रहे, ये दोनों लगे हैं बड़े चचा पहले से खाने पीने, इधर लंगर लगा हुआ है यहाँ पर, ये भुक्कड़ को जहाँ भी भूख लगती है वहाँ लगे रहता है। गंगा जी मुझे छोड़ के आएंगे भुजा घाट तक, बाकी सब वहीं पर वेट करेंगे, बाकी हल्द्वानी को जाने वाले हैं एक मैं इधर से,